हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक घटना भोपाल में जब एक घटना घटी, जिस समय जहरीली हानिकारक गैस का रिसाव हुआ, पूरे नगर में हजारों लोगों की लाशें बिछ चुकी थी। उस समय उसी के बीच में एक कुशवाहा परिवार और एक राठौड़ परिवार में जाकर के आया, उन परिवारों को मिलकर के आया। उन्होंने गाय के गोबर के स्टिक टुकड़ों के साथ हवन किया था और वो परिवार बच गए उसी के बीच में। क्यों? गैस न्यूट्रलाइज हो गई। हम इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर के अंदर कर ले तो समस्त प्रकार की नेगेटिव गैसें, हानिकारक गैसें, जहरीली गैसें, पोल्यूटेंट गैसों से भी हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। पर आज केमिकल के ऊपर हम स्प्रे, ये वो, कितनी चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इन सारी जहरीली गैसों से हम बच सकते हैं यदि अपने घर के अंदर यज्ञ कर ले तो। वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं, रेडिएशन से हम बच सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हम बच सकते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा वायु रूप आहार होता है, उसका शोधन, पोषण, संवर्धन हम कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े और कितने सारे लाभ, और ये जितने भी लाभ देख रहे हैं उसमें से एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ हमें एक प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। क्या लाभ प्राप्त होता है? हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में तीन प्रकार की चिकित्सा बताई, एक देव व्यपासय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति व्यपासय चिकित्सा। उसमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देव व्यपासय चिकित्सा कही जाती है। और वहां पर बताया, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजय। जब रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अब अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अब कंट्रोल नहीं हो पा रही है, काबू में नहीं आ रही है, स्थिति बिगड़ चुकी है, तब आरोग्यार्थी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारियों को जीते। ये बहुत बड़ी चीज है, देव चिकित्सा। इसी प्रकार अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्यो रंतिकम नितेव तमाहरामी अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, यदि उनकी धातु है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, यदिर मृत्यो रंतिकम, और वो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अंतिम जीवन के क्षणों को देख रहा है, तमाहरामी, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता। मानी यज्ञ को प्राचीन शास्त्रों में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी देखा गया। अलग अलग यज्ञ बताए ना 21 प्रकार में, उसमें एक भेषज यज्ञ भी होता है, चिकित्सा यज्ञ। और जब हम इस यज्ञ को करते हैं, उसके माध्यम से जो उठ रहा धूम्र होता है उसको, जैसे मैंने अभी बताया ना, GC MS MS गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो एडवांस लेवल की रिसर्चे की जाती है, बड़े लेवल की जो रिसर्च की जाती है, उसमें इस टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम से अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी एफ्लेमेटरी, सूजन, इंफेक्शन आदि को फैलाने वाले जो रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए जो हम कंपोनेंट लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबायल, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती है उसको ठीक करने के लिए जो हम औषधियां लेते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर ना होने देना या कैंसर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं।
एंटीब्यूटाजेनी हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इसके होते हैं। मानी मल्टीपल कंपोनेंट्स, जो अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट्स लेते हैं, वो एक साथ एक पैकेज के साथ हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर मिलता है। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? विशुद्ध मेडिसिन। और अलग अलग अनुसंधान करने पड़े। आज हम दवाइयां खाते हैं एलोपैथी की या कोई भी, तो उसके ऊपर आज कानून बने हुए हैं और हम एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या तत्व है, कितनी मात्रा में है, कितना डोज लेना, क्या आदि आदि। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज दुनिया में पहली बार PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर रोगानुसार यज्ञ पर कार्य हुआ और आज ये 11 प्रकार की एविडेंस के साथ रिसर्च बेस्ड हवन सामग्री आई कि इस सामग्री को अग्नि में डालने पर ये तत्व बनता है और इसमें रहने पर ये बीमारी ठीक होती है। मैंने अभी आपको बताया ना, हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार क्या होता है? वायु। और हवन करने पर, रोगानुसार जड़ी बूटियों से हवन करने पर वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में वायु में आ गया। उस वायु के अंदर हम 24 घंटा श्वास लेते हैं तो वो बीमारियां भी हमारी ठीक हो जाती है। शास्त्रों में भी बताया, रिसर्च में भी पाया। और जिन लोगों ने इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपने जीवन में अपनाया, उन लोगों ने भी इस यज्ञ को करके विशेष लाभ प्राप्त किया। यहां पर ही हम तेलंगाना में पहले ऑनलाइन शिविर किए थे। उस ऑनलाइन शिविर करने के बाद अभी हम जो ऑफलाइन कार्यक्रम करते थे, अभी एक जगह पर, एक स्थान पर हमारी एक माता जी आई, महामाया नाम था वो माता जी का। उनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। क्या था? और सीरियस अवस्था में डॉक्टर लोगों ने कंडीशन के साथ उनको छोड़ दिया। और उस समय एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था और उनको पता चला, उन्होंने हर रोज यज्ञ किया, हवन किया, उस मेडिकेटेड एयर में रही, उस मेडिकेटेड एयर में प्राणायाम किया, योगाभ्यास किया। अभी वो हम वहां कार्यक्रम किया, वो फाइल लेकर के आई दोनों ही रिपोर्ट के, स्वामी जी डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था और ये मेरी ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। इसी प्रकार एक माता जी प्रणीता जी, उनको लीवर कैंसर था और फिर इन्फेक्शन उसका और ज्यादा फैल गया। 7 जगह पर कह रहे थे कि घाव हो गया, पूरा सड़ने लग गया। और उसके अलग अलग कई सारे ट्रीटमेंट हैदराबाद में, दिल्ली में अलग अलग किए। लास्ट में डॉक्टर लोगों ने उनको अंतिम ट्रीटमेंट देने के बाद कह दिया कि, और 2 साल से लगातार ये ट्रीटमेंट जो रेडियोज या केमोज आदि जो भी वो कर रहे थे वो चल रहा था और हर बार स्थिति बिगड़ रही थी और धीरे धीरे अब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में आ चुकी थी। और डॉक्टर लोगों ने लास्ट थेरेपी देने के बाद कहा कि अब इसके बाद हम ये थेरेपी नहीं दे पाएंगे और आप जितनी सेवा कर सकते हैं घर में इसकी सेवा कीजिए और वो कीजिए, ऐसे करके छोड़ दिया। उस समय ये प्रशिक्षण शिविर हुआ, लोगों ने जाना यज्ञ चिकित्सा से ऐसे ऐसे लाभ होता है, उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। और अभी हम उसको मिलकर के आए, आपके यहाँ तेलंगाना की बात है, उनको मिलकर के आए, उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और आज वो संकल्प लिए, उसके पूरे एरिया में जिन जिन को कैंसर हुआ है उन सब के घर में जा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये करो, ये है उपाय। उन्होंने 57 लाख रुपए खर्च कर दिया। लास्ट में जीवन हाथ में नहीं था और के में 10,000 का भी खर्च नहीं किया, कैंसर ठीक हो गया। सबको घर में जाकर सिखाते हैं और हर दिन अपने घर के अंदर हवन करते हैं और हर दिन एक नए दंपति को अपने आस पास काम करने वाले, साथ में रहने वाले या लोग हैं, हर दिन एक दंपति को, एक परिवार को अपने घर पे बुलाते हैं। हर दिन, हर रोज सुबह यज्ञ करते हैं अपने घर में, हर दिन एक व्यक्ति को बुलाते हैं, उनके हाथों से यज्ञ कराते हैं, उनको भी बताते हैं कि अपने घर में ऐसे कर लो, रोक दो। कितनी बड़ी चीज है यज्ञ करना। ऐसे ही एक रेखा जी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और उनको भी ऐसे ही जवाब दे दिया था। उन्होंने भी यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, कर्कटेष्टि आदि हवन सामग्री का प्रयोग किया, ठीक हो गए।
उनको भी विशेष लाभ हुआ। तो ऐसे कई सारे लोगों को अलग अलग, एक बहन मिली उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी और उस ये प्रशिक्षण शिविर चला, उस दौरान उनको पता चला, उन्होंने मेधेष्टि हवन सामग्री लिया, मेधेष्टि से हवन किया, उसमें अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम आदि योगाभ्यास आदि किया, उनका मिर्गी का प्रॉब्लम खत्म हो गया, पता ही नहीं कहां आई मिर्गी। तो ऐसे कितने सारे लोगों ने यहां पर तेलंगाना में, और ऐसे बाहर की हम बात करें तो हम जब से चालू किए तब से कैंसर, कोमा, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के कई सारे प्रकार के अलग अलग रोगों में लोगों ने यज्ञ चिकित्सा अपना करके विशेष विशेष लाभ प्राप्त किए। आप देखना चाहो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, वहां पर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ से ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और हमने पहली बार वेद मंत्र को साकार होते हुए देखा, यदि क्षितायु, यदि वापरे तो, यदि मृत्यु और अंतिकम, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, धातु ये क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, तमारामि अस्पार्श्वमेनम सत सारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और 100 साल की निरोग आयु देता हूं, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में देखा, रिसर्च किया तो उसमें भी पाया। ये यज्ञ जो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपोर्टेंट जो आहार है, वायु रूप आहार, उस वायु रूप आहार को मेडिकेटेड करके ये रोगों को ठीक करने की एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, एक विशुद्ध केमिस्ट्री है कि ये पदार्थ डालो तो ये बनेगा, इसमें रहोगे तो ये लाभ होगा, इसी जगह प्लास्टिक डालो, रबर डालो, पेट्रोल डालो, कोयला डालो तो उससे उस प्रकार की गैस बनी, उससे आरोग्य की हानि होगी। वायु प्रदूषण क्या है? गलत द्रव्यों को हमने जलाया, उसका दुष्परिणाम है, 70 लाख से अधिक लोगों की जान जा रही है। इसी प्रकार अच्छे द्रव्यों को जला, अच्छा पाओ, ये एक विज्ञान है। क्या है यज्ञ? केवल कर्मकांड पूजा पाठ नहीं, वो तो है ही है, उसके साथ साथ एक विशुद्ध विज्ञान है, केमिस्ट्री है, ये चीज डालोगे तो ये चीज बनेगी, इससे ये लाभ होगा। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ से जो पार्टिकल निकलते हैं नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं, उसकी भी एक्टिविटी हमने जब देखी IITs के साथ मिलकर के कहीं रिसर्च की, उसमें भी भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक करने वाली सामर्थ्य, जो आज पूरी मेडिकल साइंस से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक जगत से लेकर के कंस्ट्रक्शन से लेकर सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाती हैं। और यज्ञ एक विशुद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी, अलग अलग द्रव्यों को डालकर उसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसका लाभ उठाने। तो ये यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है और रोगानुसार अलग अलग, सामान्य अवस्था में सामान्य हवन सामग्री और उसके साथ प्राणेष्टि, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, मेधेष्टि, मस्तिष्क को पोषित करने के लिए विशेष करके हम प्रयोग कर सकते हैं। उससे अतिरिक्त अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्रियां, जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री से जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग होते हैं, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए प्राणेष्टि का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए मेधेष्टि का प्रयोग करते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि जो वातज रोग होते हैं, वातेष्टि का हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। निसंतानता, बंध्यत्व या धातुओं का पोषण ना हो पाना आदि रोग होते हैं, उसके लिए हम विशेष करके संततेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। पित्त से संबंधित प्रॉब्लम है, एसिडिटी बन रही है, जलन है, पूरे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा, पसीना अधिक आता है, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का गिरना या उसके साथ साथ कील मुहा से आदि अधिक मात्रा में, ये सारे जो रोग होते हैं, पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री है, कफज रोगों के लिए कफेष्टि हवन सामग्री है, वातज रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ये अलग अलग रोगानुसार 11 प्रकार की एविडेंस के साथ सामग्री और 2 प्रकार के धूपन आज एविडेंस के साथ हमारे, कि इस प्रकार से हम यदि अपने घर के अंदर छोटा सा 5 मिनट समय लेता है तो अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का आरोग्य सिद्ध कर सकते हैं। तो ये एक चिकित्सा पद्धति भी है। और इन सब के साथ देखिए एक महत्वपूर्ण और विशेष चीज, ये यज्ञ के सारे हमने जितने भी अभी लाभ देखे ना, ये कहते हैं जैसे कोई एलोपैथिक में हम दवाई ले और ज्यादा मात्रा में ले लिया तो उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट। ये यज्ञ हम करते हैं अपने घर के अंदर तो ये जितने भी हमने अभी लाभ देखे ना, चाहे वायु प्रदूषण का दूर होना, बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचाव होने की बात हो, रेडिएशन से बचाव होने की बात हो, बीमारियों से बचाव या बीमारी हो गई तो ठीक करने की बात हो, बॉडी को अल्कलाइन करने की बात हो, सबसे ज्यादा और सबसे इंपोर्टेंट आहार का शोधन पोषण संवर्धन करने की बात हो, या जितने भी हमने लाभ देखे, ये सारे भौतिक लाभ, ये सारे के सारे यज्ञ हवन अग्निहोत्र के साइड बेनिफिट है। क्या है?
और ये प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर करते हैं, तो अभी मैंने बताया था ना, नियम पूर्वक करते तो अग्निहोत्र अश्वमेघ भविष्य आपके अश्वमेघ यज्ञ का जो फल का लाभ होता है वो फल का लाभ हम उठाते हैं मुख्य। और उसके साथ साथ ये हमारा एक कर्तव्य है, क्या है कर्तव्य है, हम जैसे माता पिता होते हैं, हमें पालते हैं पोसते हैं बड़े करते हैं पढ़ाते सब कुछ हमारे लिए करते हैं, तो हम माता पिता के ऋणी होते हैं नहीं होते हैं, इसको कहते हैं पितृ ऋण, क्या कहते हैं। ऐसे ही अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र इस सारी चीजों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, इसको कहते हैं देव ऋण, क्या कहते हैं, ये देवता है ना, सूर्य देवता हमें प्रकाश देते हैं, वायु देवता हमें वायु देते हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, इन सबसे हमारा जीवन चल रहा है, तो ये सारे देव हैं, वो दाना देव वो हमें दे रहे इसलिए वो देव है, और ये देवताओं से हम हमेशा ले रहे हैं, उनको वापस क्या लौटा रहे हैं, वापस क्या लौटाते हैं, कुछ नहीं, तो हम क्या हो गए, ऋणी हो गए, क्या हो गए, इस देव ऋण से भी मनुष्य जीवन में उऋण होने का सबसे बड़ा उपाय यज्ञ है, देव ऋण से उऋण हो जाते, ये यज्ञ का मुख्य लाभ, और उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में इसको इष्ट कामधु कहा, क्या कहा, इष्ट माने जो भी हमारी इच्छित कामनाएं हैं उसको पूर्ण करने वाला, सर्व कामधु कहा, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना, सत्याः संतु यजमानस्य कामः, जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर अग्नि के सामने प्रार्थना करता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। आज दुनिया में लोग मनोकामना की पूर्ति के लिए कहां कहां जाते हैं, और वेदों से लेकर के ऐतिहासिक स्मृति शास्त्रों में सब जगह पे यज्ञ को मनोकामना की पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय बताया, कितनी बड़ी चीज है ये, सबसे बड़ी चीज है मनोकामना, मनोकामना की पूर्ति के लिए तो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि अब ये हो जाए ये हो जाए, वो भी प्रदान करने वाला होता है, और इन सबसे बड़ी बात देखिए हमारे पूरे जीवन में हम जिस जीवन को जीते हैं उसका मूल क्या होता है, पुण्य होता है, क्या होता है, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं अच्छे और बुरे उसे पाप और पुण्य दो चीजें लास्ट में हमें मिलते हैं, लोग कहते हैं मरने पर क्या साथ में लेके जाओगे, मरने पर पाप और पुण्य दोनों ही साथ में जाएंगे, भौतिक चीजें नहीं जाएंगी, लेकिन जो हमने कर्म किया है उस कर्म में प्राप्त पाप और पुण्य दोनों ही साथ में जाते हैं, और उसी के आधार पे हमें आगे आने वाला जीवन में, आपने योग दर्शन पढ़ा होगा तो वहां क्या बताए, जाति आयु और भोग ये तीनों ही चीजें हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है, हमारे कर्माशय के आधार पे, और जाति मानी मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी आदि अलग अलग जातियां, उसमें सबसे पहला हमने मानो मनुष्य जाति तो मिल चुकी है, मनुष्य के बाद जाति के बाद आयु, हमारी आयु, एक व्यक्ति को हम देखते हैं मनुष्य जीवन तो मिल गया लेकिन बाल्यावस्था में युवा अवस्था में जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, किशोर अवस्था में मृत्यु को प्राप्त, मान लो उसमें भी हमें चीरकाल की आयु मिल गई, जाति के बाद आयु, आयु के बाद भोग, उसमें मिलने वाली सुख सुविधा, ज्ञानी माता पिता है अज्ञानी माता पिता है, कुल खानदान यशस्वी है सामान्य परिवार है, एक व्यक्ति को देखे तो पैदा होते ही करोड़ों का मालिक होता है, और एक व्यक्ति को देखे तो पैदा होते ही दूध भी पीने को तरस रहा होता है, एक व्यक्ति को देखे तो बीमार होकर के मरणासन अवस्था में पड़ा होता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, और एक व्यक्ति को देखे तो छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े, ये सब किस आधार पे होता है, हमारे पुण्यों के आधार पे, हमारे संपूर्ण जीवन का मूल केंद्र बिंदु होता है पुण्य, और उसी पुण्यों के आधार पे पूरा जीवन चलता है, और उस पुण्यों को प्राप्त करने का मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है, यज्ञ पुण्यों की कृषि है, यथा पुण्यों को देने वाला जन्म जन्मांतर को सुधार देता है, ये पुण्य देने वाला, तो इस प्रकार ये आध्यात्मिक अलग अलग कई लाभ देता है, और सबसे बड़े जब हम यज्ञ की बात करते हैं ना कि इतने सारे लाभ है हमें सबको करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय है, ब्राह्मणों का विषय है, पुजारियों का विषय है, ये पंडित ब्राह्मण पुजारी के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए, हम सब के लिए जरूरी है, क्या बैक्टीरिया वायरस फंगस उसी को लगता है, हम सबको लगता है, सबको लगता है, वायु प्रदूषण उसी को लगता है, हम सबको लगता है, सब लोग वायु में श्वास लेते हैं वही लेते हैं, सब लेते हैं, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं,
चाहे किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं, हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस पंचभूतात्मक इस प्रकृति का पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। अयम यज्ञो भूनस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल की नाभि है। इस यज्ञ को करने पर यह पूरा पर्यावरण पोषित होता है, संवर्धित होता है, संतुलित होता है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है। और ये सारी जो अन्य चीजें, हम बीमारी ठीक होना, ये दूसरे किसी का सारे साइड है, तो ये यज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष प्रक्रिया है और 5-10 मिनट में हो जाता है और उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता सबको, कितने लोगों को आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र से अग्नि प्रदीप करके आचमन अंग स्पर्श और जल सेचन की एक प्रोसेस होती है, उतना करके कुछ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो 11 गायत्री मंत्र से अपने घर में आहुति जरूर दी। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। कपेष्टि हवन सामान जो मूलह थी सफेद वासा, बनपसा, तुलसी पंचांग, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंफ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, धतूरा पंचांग, रुदंती फल, काली मिर्च, अकरकरा पंचांग, काकड़ा सिंगी, कमल पुष्प, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कर्पूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस कपेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर पेरामोमाइसिन, आर लिमोनिन और मेथोक्सिन सेलामेल्डिहाइड जैसे विशेष कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो श्वास संबंधी रोग, दमा, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कफज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।